सो गाइस गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब ठीक हैं, आई होप आप सब भी ठीक होंगे। और आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम आजीमाला गए थे, वहां से आने के बाद हम घर पहुंच गए थे, बट घर आके हम इतने थक चुके थे कि हमने कुछ शूट नहीं किया। और अब हो गया नेक्स्ट डे का, गुड आफ्टरनून हो गया, मतलब दिन हो चुका है। तो अब हम लोग जा रहे हैं हम वर्कला बीच जा रहे हैं और वो यहाँ का वन ऑफ द फेमस बीच है। तो अब हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो बीच कैसा है और वहाँ पे क्या क्या है। सो मैं हो गई हूँ रेडी और आयरा भी रेडी हो गई। आयरा इधर आओ। और आयरा, मैंने कुछ 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 थोड़ा थोड़ा ट्यूनिंग किया है। आयरा से हेलो। हेलो हेलो फ्रेंड्स। सो हम निकलते हैं और फिर सीधा बीच में पहुंच के आपसे मिलते हैं। सो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं वर्कला बीच और हमने अपनी कार को पार्क कर दिया है। आज थोड़ा ज़्यादा रश था तो पार्किंग का थोड़ा इशू था, बट फाइनली हमने कार को पार्क कर दिया है और अब हम चल रहे हैं बीच पे। और आयरा को थोड़ा सा फीवर हो गया है, हमने उसको मेडिसिन दे दिया है, बट अभी वो थोड़े लेजी मूड में है। आयरा आप तो बहुत एक्साइटेड थे बीच के लिए, क्या हुआ, फीवर हो गया? इधर हमें फीवर हो गया, मेडिसिन दे दिया है। जब बच्चा बीमार हो जाता तो ज़्यादा इंजॉय करने का मन नहीं करता। होपफुल ये भी थोड़ी देर में ठीक हो जाए क्योंकि बहुत एक्साइटेड थी कि मम्मा वहाँ पे जाना है, मस्ती करनी है। आरू बिट्टू हाँ जल्दी जल्दी चीखो जाओ, कहाँ जाना है, बीच पे। सो आ जाओ चलते हैं। फ्रॉक पहना है आपने? कितना सुंदर है आप देख सकते हो। और पीछे जैसे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पे लाइटिंग वगैरह है, इतनी अच्छी वाइब आ रही है यहाँ, जैसे मुझे तो लगा जैसे गोवा, मतलब इतना अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। इस जैसे बीच पे हम पहुँचे, यहाँ पे बहुत सारे टॉयज के ऑप्शंस हैं और आयरा को देखती नहीं, मम्मा मुझे ये टॉय चाहिए वो टॉय चाहिए। तो यहाँ पर सारे बच्चे खड़े हैं और वो अपने लिए टॉय ले रहे हैं। और एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे सारा व्यू कैसा है, जस्ट वेट। सो गाइस देखिए क्या कितना सुंदर व्यू है। गाइस आयरा आपने क्या लिया? मैंने एक फोन है, लाइक डैडी स्माइल। ओके ओके, आर यू हैप्पी? यस 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 यस। निशु आपने क्या लिया? यस 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 यस। क्या लिया आपने? जोर से करो, जोर से, जोर से, जोर से करो। और गाल भी रहा वो तो पता। दूसरा देखो। सो गाइस आपको पता है वर्कला बीच इज फेमस फॉर द ब्लैक सैंड, बट मुझे यहाँ पे तो कहीं पे भी ब्लैक सैंड नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा डिग करना पड़ेगा तो तब शायद मिल जाए, बट यहाँ का एम्बियंस जेन्युइनली बहुत अच्छा है, इतना रिलैक्सिंग है, इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। बस आप यहाँ पे आओ, अपना रेस्ट करो। हाँ जी बच्चे, रेड लाइट, फोन में रेड लाइट चलती है। ओके देखते हैं और इशू ने क्या लिया है। क्या हो गया इशु, क्या लिया आपने, ये क्या है बताओ? ओ लाइट तो ऑन हो गई, लाल
लाइट ऑन है उसमें वो सी जैसी ओके लाइट ऑन हो गई अको आप चलो खेल लो वहीं खेल लो सारी जो छोटा सा गेम इसको पॉकेट में रख लो रुको मेरे साथ विशु क्या कर रहे हो मेरे साथ फाइटिंग फाइटिंग ओए ओए नहीं नहीं विशु नहीं मेरा फोन कहाँ है मेरा मेरी पॉकेट में फोन देके भूल जाते हैं फिर मेरा फोन कहाँ है यही चलता है इनका ये बैग में सोनू ये बैग में डाल लेना ये उठा रहे अरे फोन उठाओ अपना आपको दिखाना एक बार लाइफ एक बार दिखाना है बेट मैं भी देखूं मैं भी डेविल कैसी लगूंगी एक बार मैं भी लगा के देखती हूँ आई थिंक ये बच्चों का साइज क्या है इसे मैं फिट नहीं होगा सो गाइस ये टॉयज है जो हमारे यहाँ पे नॉर्मली थोड़े से ज्यादा कॉस्टली है अब बीच पे है और पता है बच्चे मांगेंगे तो यहाँ पे थोड़े प्राइस थोड़े से हाई है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट क्या हो गया अरू हाँ ये बैग में डाल लो आप ये रैपर में डाल लो पॉली बैग में डाल लो सो हस्बैंड कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा अच्छा ना मुझे तो लगा जैसे हम गोवा में है ना वही वाइब अच्छा वाइब है बिल्कुल थोड़ा रिलैक्स करो और कपल थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे अपना यहाँ पे डिनर का मतलब फूड का भी अरेंजमेंट्स है तो आप यहाँ तक लेट नाइट रुक सकते हो व्यू को एंजॉय कर सकते हो अपना स्नैक्स या डिनर कैंडल लाइट डिनर्स अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे तो आप वो भी कर सकते हो तो अभी देखते हैं हम आगे आगे क्या करेंगे अभी तो बस तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठेंगे और बच्चे थोड़ा सा अपना एंजॉय करेंगे उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है हमें संगीता अपनी रील बना रही है मुझे लगता है मुझे भी कुछ शॉर्ट पहन के आने चाहिए था अभी ट्राउजर है तो ये थोड़ा लॉन्ग है तो मुझे लगता है भीग जाएगा बट चलते हैं देखते हैं क्या करते हैं तो मेरे को भी रील बनानी है आप शूट कर दोगे मेरे लिए ये भी आपका टॉय इधर है ये वाला टॉय उठाओ नीचे नीचे मेरे आपका फोन मेरे पास है सो गाइस अभी हम बीच में ही बैठे हैं और हमने अपने लिए भी कुछ किया है स्नैक ऑर्डर कॉपीराइट म्यूजिक बज रहा है और गाइस प्लीज कमेंट करके सारे सुंदर कौन है मेरी बहन सेल्फ ऑब्सेस्ड है उसको लगता है बस मैं हूँ और कोई कुछ नहीं है राइट नो गाइस इन फैक्ट ही इज नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड दिस इज सेल्फ लव और गाइस आप देख सकते हैं पीछे आयरा और ऋषि वहां पे अपना खेल रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और हम हमें भी दिख रहा है वो यहाँ से मुझे दिखाओ गेट दिखा रही हूँ ना तो मैं एक एक करके ना आपकी सबसे बात कराती हूँ बोलिन देख कुछ कर रहे सो गए कारण जाओ भैया नहीं ये सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव कि खुद से प्यार करो और तभी आप दूसरों से प्यार करो सो हाउ वाज लव योरसेल्फ हमारे साथ इस ट्रिप पे कैसा लगा आपको
तुम लोगों को कैसा लगा हमारी ट्रिप के साथ, ये बताओ। हम लोगों ने आपको इनवाइट किया हमारे साथ घूमने के लिए, मुझे तो अच्छा लगा। और मेरे जीजू आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी साली साहिबा के लिए और अपने साडू साहब के लिए? Yeah, I have a good opinions for both of you. अगली बार थोड़ा टाइम निकाल के आना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत इनसफिशिएंट टाइम है। वर्कला बीच पे एक दिन रुकना चाहिए अच्छे से रिजॉर्ट में, लद्दाख सोफे पे। अच्छा, मैं भी नेक्स्ट टाइम घूमूंगी नेक्स्ट टाइम। और ठीक है, आप से कुछ भी नहीं बोला कि ये बिंदी के काम नहीं है, दिल्ली से ही रहूंगी इस दिन, बकवास कर रहे नहीं क्यों पता चल गया, बस पी होती है सगी इतने तो गए। देखो वहाँ पे और पेशेंट की फाइट हो गई थी, पेशेंट वहाँ पर सॉन्डाइट करा रहे गए वहाँ पे। हम फाइनली बीच पे घूम आए हैं और हम लोग वापस अपनी कार में जा रहे हैं। और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट है, बीच पे बहुत सारी मार्केट है जहाँ पे आपको ड्रेसेस स्पेशली वेस्टर्न ड्रेसेस के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनके से आप अपने घर से निकले के आते हो थक गई, बिकॉज आपको बहुत नीचे जाना पड़ता है बीच के लिए। जाने में तो कोई इशू नहीं है, बट ऊपर चढ़ने में थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है, मैं तो बहुत थक गई हूँ। आपको मेरी उससे पता चल रहा होगा, थक गई हूँ मैं। चलिए हम पहुँच गए हैं कार पार्किंग एरिया में, तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा बाइक्स का थोड़ा रश है, तो वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं होगी। तो आप से देख सकते हैं यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। और यहाँ पे सामने ही कार पार्किंग है। त्रिशु क्या हुआ, थक गया बेबी? नहीं, नहीं? अब हम कहाँ जा रहे हैं? सो गाइस, हम डिनर कर रहे हैं, हमने अपना डिनर ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज है डिनर की। पहले हम आए आयरा को क्योंकि पाव भाजी खानी थी, और पाव भाजी अच्छी यहाँ पे यही लुलु मॉल में मिलती है, तो हम इसलिए यहाँ पे आए थे। आयरा हैप्पी, आपकी पाव भाजी आ गई? यस yes. चलो सो गाइस, हम डिनर करके फिर मिलते हैं आपसे।